Hi, to everyone. This is Sujeet Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube channel. और इस channel पर हम बात करते हैं biology के बहुत सारे important concepts के बारे में. तो अभी की जो current series है, वो है ecology unit का ecosystem chapter. और इस chapter में already हमने चार पार्ट फोर पार्ट रिलीज़ कर दिया है जो हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं आप जा करके देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को और भी क्रस्टल क्लियर कर सकते हैं ठीक है तो आज के टॉपिक में हम बेसिकली दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को क्लियर करेंगे एक तो है आपका इकोलॉजिकल पिरामिड और दूसरा है सक्सेसन की प्रोसेस ठीक है तो अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं तो हम यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे हम यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे कि जो आपका इको सिस्टम है जो आपका इको सिस्टम है इको सिस्टम इस इको सिस्टम में आज का जो टॉपिक है वो है इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल और दूसरा पॉइंट है दूसरा टॉपिक है आज का आपका सक्सेशन प्रोसेस ठीक है तो दोनों ही टॉपिक अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो आपके इकोसिस्टम के कॉन्सेप्ट को समझने में और भी ज्यादा हेल्प करेगा ठीक है ठीके? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक तो फर्स्ट टॉपिक में अगर हम बात करें फर्स्ट टॉपिक में अगर हम बात करें तो आपका है इकोलॉजिकल पिरामिड इकोलॉजिकल पिरामिड इकोलॉजिकल पिरामिड ठीक है तो ये इकोलॉजिकल पिरामिड होता क्या है देखो एक कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको बस एक छोटी सी चीज बता देता हूं कि पिरामिड का जो सेप होता है पिरामिड का जो सेप है अगर आप सेप ऑफ पिरामिड की बात करो तो आप देखोगे कि जो पिरामिड का शेप है वो कुछ इस तरीके से है वो कुछ इस तरीके से है मतलब अगर हम इसके बेस की बात करें अगर हम इसके बेस की बात करें तो बेस बहुत ही ज्यादा क्या है ब्रॉड है बहुत ही ज्यादा क्या है ब्रॉड है और अगर हम इस पिरामिड के टॉप पोर्शन की बात करें मींस एपेक्स की अगर हम बात करें तो वो बहुत ज्यादा क्या है नैरो है तो एक बात तो समझ में आया कि जो पिरामिड का सेप है उसका जो बेस वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा क्या है ब्रॉड है और जो उसका एपेक्स वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा कन्फाइंड या नैरो है ठीक है तो सेप ऑफ पिरामिड तो यही होता है अगर हम बात करते हैं इसमें आपके कि इकोलॉजिकल पिरामिड होता क्या है तो इकोलॉजिकल पिरामिड एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका इकोसिस्टम में जो भी ऑर्गेनिज्म है जो भी ऑर्गेनिज्म है उनका फूड और एनर्जी का जो रिलेशनशिप है उसी चीज को हम इकोलॉजिकल पिरामिड की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं ठीक है तो अगर हम बात करते हैं कि ये पिरामिड डिस्क्राइब क्या करता है तो इट इज द इट इज द रिलेशन ऑफ फूड एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्गेनिजम इन अवर ईको इन अवर ईको सिस्टम ठीक है तो ये बात तो समझ में आया ये बात सभी को समझ में आ गया कि बेसिकली ये एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है जो हमारे इकोसिस्टम में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच के रिलेशनशिप को हम अंडरस्टैंड करते हैं तो इकोलॉजिकल पिरामिड में अगर हम बात करते हैं इको लॉजिकल इकोलॉजिकल पिरामिड में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर तो यहां पर आप अंडरस्टैंड करना कि ये एक तरह का क्या है इट इज अ इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 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 ऑफ नंबर energy and biomass it is a graphical representation of number energy biomass of the living organism of the living organism in our in our ecosystem in our ecosystem सिस्टम ठीक है तो ये एक तरह का क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप किसकी बात कर रहे हो आप बात कर रहे हो मेनली नंबर की बात कर रहे हो एनर्जी की बात कर रहे हो और साथ में आप बात कर रहे हो बायोमास किसके बारे में आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में और ये पूरी स्टोरी कहां चल रही है आपके इकोसिस्टम के अंदर चल रही है ठीक है अब देखो तो हमने यहां पे तीन चीजें पढ़ी कि जो भी इकोलॉजिकल पिरामिड हैं जो भी इकोलॉजिकल पिरामिड हैं वो हम या तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इको लॉजिकल पिरामिड हम पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करेंगे पिरामिड ऑफ पिरामिड ऑफ हम बायोमास पिरामिड ऑफ नंबर की बात करेंगे और साथ में बात करेंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी की ठीक अब देखो इसका जो सेप है वो इस बात पे डिफाइन करेगा कि ये आपका अपराइट भी हो सकता है और अपराइट मींस यहां पर जो हमने दो चीजें बात किया कि जो पिरामिड का सेप है वो कुछ इस फॉर्म में होगा अब या तो इसका सेप कुछ इस तरीके से होगा या, या आपका जो सेप है वो है आपका कुछ इस तरीके से भी हो सकता है ठीक तो ये आपके इकोलॉजिकल पिरामिड का जो शेप है ये इसको तो आप बोलोगे अपराइट इस तरह के स्ट्रक्चर को आप बोलोगे अपराइट ठीक है और इस तरह के स्ट्रक्चर को आप बोलोगे डाउन राइट right. ये बात क्लियर है सभी को ये बात सभी को क्लियर है तो इकोलॉजिकल पिरामिड में आपने सेप को अंडरस्टैंड किया कि सेप को इस तरीके से होगा बेस हमेशा ब्रॉड एपक्स हमेशा नैरो और इनका जो स्ट्रक्चर जो है वो या तो अपराइट फॉर्म में हो सकता है या तो डाउनराइट फॉर्म में हो सकता है ठीक है तो चलो इसी चीज़ को हम कनेक्ट करते हैं कि जो पिरामिड ऑफ बायोमास है पिरामिड ऑफ एनर्जी है पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ एनर्जी है तो देखो ये बायोमास जो है वो हमेशा अपराइट में भी हो सकता है और डाउन राइट right में भी हो सकता है मींस इसका सेप कुछ इस तरीके से भी हो सकता है या इसका सेप कुछ इस तरीके से भी हो सकता है यही मतलब है नंबर का भी अपराइट हो सकता है या डाउन राइट हो सकता है लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होता है ऑलवेज अपराइट होगा यह बात आप हमेशा याद रखना कि पिरामिड ऑफ एनर्जी कभी भी डाउन राइट फॉर्म में नहीं होगा हमेशा कैसा होगा अपराइट में होगा और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के रिस्पेक्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के रिस्पेक्ट में तो इकोलॉजिकल पिरामिड एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो आप किसी भी इकोसिस्टम के बायोमास को रिप्रेजेंट कर रहे हो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हो और साथ में एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हो बायोमास का जो पिरामिड स्ट्रक्चर है पिरामिड स्ट्रक्चर है वो अपराइट हो सकता है डाउन राइट हो सकता है नंबर का भी सेम एज इट इज़ लेकिन एनर्जी के रिस्पेक्ट में हमेशा ही क्या होगा अपराइट के फॉर्म में होगा ठीक है अब देखो इसको अगर हम डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं इसको अगर हम डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं तो यहाँ पर आप देखो कि पिरामिड ऑफ जो पिरामिड ऑफ आपका क्या है आपका नंबर का रिप्रेजेंटेशन है पिरामिड ऑफ नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन है अगर आप देख रहे हो किसी भी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ठीक है आप किसकी बात कर रहे हो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में आप पिरामिड ऑफ नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप देखो यहां पर कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है मीन्स यहां पर जो प्लांट है में अगर आप बात करते हो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अगर आप बात करते हो कि जो आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं उनका नंबर देखो आपका क्या है अब जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं इनके नंबर के आप देखो तो जो स्ट्रक्चर आपका फॉर्म हो रहा है नंबर में आप देखो कैसा फॉर्म हो रहा है वो फॉर्म हो रहा है आपका ये कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रहा है तो ये एक तरह का क्या हुआ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है नंबर आप देखो ये आपका क्या हो गया प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गया फिर आपका क्या हुआ प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गया फिर आपका क्या हुआ सेकेंडरी कंज्यूमर्स टर्सरी कंज्यूमर्स और टॉप पर कौन बैठा है तो डी कंपोजर्स बैठे हैं जो किसको यूटिलाइज करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को यूटिलाइज करते हैं ठीक है अब अगर इसी में अगर आप बात करते हो तो आप बात करते हो पिरामिड ऑफ बायो मास पिरामिड ऑफ बायो मास हमने जो इकोलॉजिकल पिरामिड के देखा था तो हमने नंबर की बात किया था हमने किसकी बात किया था नंबर की बात किया था हमने नंबर की बात किया हमने बायोमास की बात किया और तीसरा क्या है एनर्जी तो इकोलॉजिकल पिरामिड जो है पिरामिड ऑफ बायोमास बनते हैं पिरामिड ऑफ नंबर बनते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी बनते हैं ठीक है ठीके? तो यहां पर हमने इस डायग्राम की हेल्प से देखा पिरामिड ऑफ नंबर दूसरा हम बात कर रहे हैं पिरामिड ऑफ बायोमास तो यहां पर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो है उनके नंबर को आप देखो ये इतना बायोमास अब देखो यहां पर अगर आप डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल की बात करो तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल नंबर ऑफ इंडिविजुअल मीन्स ये नंबर है ठीक है इसी तरीके से पिरामिड ऑफ बायोमास में आप डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे किस चीज़ की बात कर रहे हो बायोमास के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो और बायोमास का जो ड्राई वेट है ये इनके नंबर को रिप्रेजेंट करता है ठीक है तो पिरामिड ऑफ बायोमास में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का जो बायोमास है एट जीरो नाइन के मीटर स्क्वायर तो ये सभी क्या है डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पर बायोमास है तो यहां पर भी जो पिरामिड ऑफ बायोमास का जो सेप है वो कैसा है अपराइट है ठीक है तो अपराइट हमेशा कुछ इस तरीके से ही सेप बनता है ठीक है अब देखो अगर आप बात करते हो पिरामिड ऑफ बायोमास किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो आप बात करते हो एक्वेटिक इकोसिस्टम में ठीक है तो यहाँ पर फाइटो का जो नंबर है वो आपका जो है बायोमास के रिस्पेक्ट में क्योंकि इनका वेट बहुत क्या होगा जो फाइटो और जू हैं इनका बेसिकली जो बायोमास का वेट है वो बहुत कम है तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में आप देखो इनके बायोमास का नंबर बहुत कम है प्राइमरी कंज्यूमर्स में इनका बायोमास क्या है ज़्यादा है सपोज अगर मैं इसी चीज़ को डिफाइन करूँ तो आप एक क्या ले रहे हो एक पॉन्ड इकोसिस्टम सिस्टम ले रहे हो आप क्या ले रहे हो एक पॉन्ड इको सिस्टम ले रहे हो तो इस पॉन्ड इको सिस्टम में अगर आप बात करते हो कि यहाँ पर जो फाइटो हैं वो क्या है अगर आप बात करते हो ये क्या है आपके आपके जू पगटन्स हैं और साथ में इनको कौन खा रहा है तो फाइटो फ्लैंगटन हैं। है इनका जो बायोमास है इनका जो बायोमास है वो वेट में बहुत क्या है कम है बहुत है कम लेकिन इस जू प्लैंगटन्स और फाइटो को खाने वाली जो फिशेज हैं आई डोंट नो फिस्क कैसे बनाते हैं पर आप इसको मान के चलो ये क्या है आपकी फिस है तो फिस् का जो बायोमास है फिज का जो बायोमास है वो क्या है आपका इस जू प्लैंकटन और फाइटो प्लैंगटन से इनका बायोमास ज्यादा है तो देखो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं जो फिसेज हैं उनका बायोमास क्या है ज्यादा है तो यहाँ पर पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वेटिक इकोसिस्टम में आप देखोगे तो ये इसका सेप कैसा है डाउन राइट है इसका सेप कैसा है डाउन राइट है तो ये आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स ये आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स और किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है बायो मास के रिस्पेक्ट में बात हो रही है तो ये जो सेप है ये सेप कैसा है तो ये सेप है डाउन राइट सेप है ठीक है तो ये बात समझ में आ रहा है अब तीसरे अगर हम बात करते हैं तो आपका यहां पर इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात हो रही है इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात हो रही है तो आप देखो यहां पर कि जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है हमने ये बात अंडरस्टैंड किया कि यह हमेशा सेप कैसा बनता है हमेशा सेप बनता है आपका अपराइट हमेशा सेब कैसा बनता है अपराइट ठीक है अपराइट का मतलब क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो प्लांट्स हैं ये सनलाइट से एनर्जी को ट्रैप करते हैं और यहाँ पर आप देखो तो ध्यान से ये क्या है जूल के फॉर्म में है तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पर एनर्जी हमेशा ही क्या होगा मैक्सिमम होगा और आपने देखा कि हर ट्रॉफिक लेवल पर हर ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है एनर्जी का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है एनर्जी का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है और ये लॉस किस फॉर्म में हो रहा है तो हीट के फॉर्म में हो रहा है एट ईच ट्रॉफिक लेवल एट ईच ट्रॉफिक लेवल हर ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी क्या हो रही है लॉस जा रही है हीट के फॉर्म में इसीलिए इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा है आपका अपराइट है आपका अपराइट है आपका क्या है अपराइट है ठीक है तो इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट के फॉर्म में ही बिल्डअप होता है यह बात समझ में आ रहा है अब दूसरा पॉइंट टॉपिक है यहां पर दूसरा टॉपिक है यहां पर अगर आप बात करते हो तो इकोलॉजिकल सक्सेशन इको लॉजिकल इकोलॉजिकल सक्सेशन अब देखो इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है वो एक तरह का इकोसिस्टम का जो नेचर है वो डायनेमिक नेचर है हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इकोसिस्टम कैसा है आपका इकोसिस्टम कैसा है डायनेमिक है इकोसिस्टम कैसा है डायनेमिक है इको सिस्टम कैसा है इको सिस्टम कैसा है डायनेमिक है अब इस डायनेमिक का मतलब क्या होता है तो अगर हम इकोलॉजिकल सक्सेसन से इसको रिलेट करें डायनेमिक का मतलब यहाँ पर यह है कि एक इकोसिस्टम टाइम के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूसली क्या होता है चेंज होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करते हो तो पॉन्ड इको जो है वो बहुत साल के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है ग्रासलैंड लैंड इको में कन्वर्ट होता है ये बात तो सभी को समझ में आ रहा है तो डायनेमिकको इकोसिस्टम का मतलब यहाँ पर यह है कि आपका इकोसिस्टम कंटिन्यूसली क्या हो रहा है चेंज हो रहा है ठीक है तो अगर हम इकोलॉजिकल सक्सेसन को थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो इकोलॉजिकल सक्सेसन इन विच इन विच रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ वन community ecological succession in which replacement of one community by by another community by another community with respect to with respect to time इसके ठीक है अब देखो यहीं पर हम बात करते हैं कि इकोलॉजिकल सक्सेशन में हमेशा एक कम्युनिटी जो है वो दूसरे कम्युनिटी से क्या हो जाती है रिप्लेस हो जाती है किसके रिस्पेक्ट में टाइम स्केल के रिस्पेक्ट में जैसे अगर हम बात करते हैं कि जो आपका पॉन्ड इकोसिस्टम है पॉन्ड इको सिस्टम है ये कन्वर्ट हो जाता है आपके ग्रासलैंड इको सिस्टम में ठीक है तो पॉन्ड इकोसिस्टम जो है वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो जा रहा है किसके रिस्पेक्ट में टाइम के रिस्पेक्ट में अब ये टाइम जो है वो इयर्स में है ठीक है तो इकोलॉजिकल सक्सेशन वो क्यों हो रहा है क्योंकि इकोसिस्टम डायनेमिक नेचर है कंटिन्यूसली क्या होता है कॉन्टिन्यूअस्ली चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली क्या हो रहा है चेंज हो रहा है ठीक है डायनेमिक नेचर है मींस चेंजेस यहां पर हो रहे हैं ठीक है ठीके? अब अगर मैं बात करता हूं कि यहां पर इकोलॉजिकल सक्सेशन की अगर आप बात करते हो इको लॉजिकल सक्सेशन में अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर आप दो चीजों को अंडरस्टैंड करो एक तो होती है हम क्योंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कम्युनिटी क्या हो रही है चेंज हो रही है। कम्युनिटी क्या हो रही है चेंज हो रही है कम्युनिटी क्या हो रही है चेंज हो, हो, हो रही है तो इसी कम्युनिटी टर्म को ही लेकर के हम आगे की चीजों को कनेक्ट करते हैं तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो इनिशियल कम्युनिटी होती है उसको हम बोलते हैं इनर या पॉइनर कम्युनिटी और दूसरा पॉइंट है कि जो मोर स्टेबल कम्युनिटी है इसी को हम बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी ठीक अब देखो पॉइनर कम्युनिटी जो होती है वो लेस स्टेबल होती है मींस लेस स्टेबल और ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है वो मोर स्टेबल है मोर स्टेबल है ये बात आप हमेशा याद रखना कि जो पॉइनर कम्युनिटी है वो बहुत कम स्टेबल है और जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो पॉन्ड इकोसिस्टम है फॉर एग्जाम्पल आपका जो पॉन्ड इको सिस्टम है पॉन्ड इको सिस्टम है वो किस में कन्वर्ट होगा पहले आपका ग्रासलैंड इको सिस्टम में कन्वर्ट होगा ग्रासलैंड इको सिस्टम में कन्वर्ट होगा ठीक अब ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है वो कुछ टाइम बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा फॉरेस्ट इको सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है और ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा है चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली क्या हो रहा है ये चेंज हो रहा है पॉन्ड इको चेंज हुआ ग्रासलैंड इको में ग्रासलैंड इको चेंज हो रहा है आपके फॉरेस्ट इको में इसीलिए हम बोलते हैं कि जो इको है टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम के रिस्पेक्ट में वो क्या हो रहा है वो चेंज हो रहा है और इसी चेंज को ही आप बोलते हो यही चेंज को ही आप क्या बोलते हो सक्सेसन इकोलॉजिकल सक्सेसन ये बात क्लियर है अब देखो इकोलॉजिकल सक्सेसन जो है यहां पर दो वे में परफॉर्म होगा जो एजेंट्स हैं यहां पर जो सक्सेसन प्रोसेस परफॉर्म करने में हेल्प कर रहे हैं तो यहां पर अगर आप बात करते हो तो ऑटोजेनिक सक्सेसन ऑटोजेनिक सक्सेशन और दूसरा है एलोजेनिक सक्सेशन एलो जेनिक ठीक है अब देखो यहां पर एक चीज मैं बता देता हूं कि जो ऑटोजेनिक सक्सेसन है ये किसके थ्रू हो रहा है इंटरनल फोर्सेस के थ्रू हो रहा है वाया दिस टाइप ऑफ सक्सेसन दिस टाइप ऑफ सक्सेशन मीडिएटेड बाय इंटरनल फोर्सेस बाय इंटरनल ठीक है तो इंटरनल फोर्सेस की वजह से ऐसा हो रहा है और ये जो है वो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से हो रहा है अब ये इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल जो फोर्सेस हैं वो डिफरेंस क्या क्रिएट करते हैं वो डिफरेंस क्रिएट ये करते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बात करते हो फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करते हो अगर आप बात करते हो तो बेसिकली हमने यहाँ पे देखा कि जो सक्सेशन है एक को हमने बोला ऑटोजेनिक सक्सेशन और दूसरे को बोला एलोजेनिक सक्सेशन तो ऑटो जेनिक सक्सेशन और दूसरे कैटेगरी को बोला एलो जेनिक ठीक है अब देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू फॉर समझाऊं सपोज कोई एक यहां कम्युनिटी है ठीक इस कम्युनिटी में पी ऑर्गेनिज्म है ऑर्गेनिज्म है एस ऑर्गेनिज्म है और टी फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते, होते हैं न्यू कम्युनिटी को फॉर्म करने के लिए सपोज यहां पर इस कम्युनिटी में आप देखोगे कि एस ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी तरीके का सबस्टेंस रिलीज कर रहा है एस और पी ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी तरीके का केमिकल रिलीज कर रहे हैं या आप कुछ इस तरीके का आप इंट्रेक्शन अंडरस्टैंड कर सकते हो जो क्यू स्पीसीज को गायब करने में रिस्पॉन्सिबल है इंट्रैक्शन जो है वो नेगेटिव है तो आप देखोगे कि कुछ टाइम बाद इसी कम्युनिटी में जो क्यों स्पीसीज़ है वो पूरी तरीके से क्या हो गई वो गायब हो गई और यहाँ पर कोई दूसरी स्पिसीज कोई दूसरी स्पिसीज आके फॉर्म हो रही है जो एक टाइम बाद टाइम स्केल के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे कि कुछ इंटरनल फोर्सेस की वजह से कुछ इंटरनल फोर्सेस की वजह से जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो गई वो एक्सटेंट हो गई और वहाँ पर कुछ टाइम बाद आप देख रहे हो कि कुछ नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है ठीक है अब अगर आप बात करते हो एलोजेनिक स्पेसीज में तो एलोजेनिक स्पीसीज में एक्सटर्नल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं, और ये एक्सटर्नल फोर्सेस आपके फायर हो सकते हैं सपोज किसी फॉरेस्ट में आग लग गई तो वहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज जो हैं वो एक्सटेंड कर जाएंगे सुनामी कोई एक्सटर्नल फैक्टर या एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से वहाँ की जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है वो उसमें वेरिएशन आ जाए ठीक है तो फायर जो है वो एक तरह का एक्सटर्नल फोर्सेस है या एक्सटर्नल फैक्टर है या आप कह सकते हो सुनामी तो इकोलॉजिकल सक्सेसन जो है ये एक तरह का रिप्लेसमेंट होता है कम्युनिटी के बीच में एक टाइम स्केल के बीच में जो एक कम्युनिटी जो है वो रिप्लेस हो रही है दूसरे कम्युनिटी से ठीक है तो यहाँ पर एकोलाजिकल uh, सक्सेसन में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने इनको अंडरस्टैंड किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कर रहे हो ठीक है देखो बच्चे अगर आप पढ़ते टाइम अगर आप पढ़ते टाइम अपनी नोट्स जरूर प्रिपेयर करो ठीक है आप किसी भी टीचर से पढ़ो आप किसी के लेक्चर से आप कॉन्सेप्ट को समझने में आ, हेल्प लो लेकिन साथ में साथ जो भी आपने समझा है जो भी आपने समझा है एटलीस्ट आप उसको अपने फॉर्म अपने अपने वर्ड्स के फॉर्म में अपनी कॉपी पर नोट्स ज़रूर बनाओ ये बहुत हेल्प करता है इसकी इम्पॉर्टेंस आपको एग्ज़ाम टाइम में समझ में आती है जब आप अपने पढ़े हुए कॉन्सेप्ट को अपनी लैंग्वेज में लिखते हो तो उसे एग्ज़ाम टाइम में रिविज़न करने में बहुत कम टाइम लगता है ठीक है नोट्स तो प्रिंटेड ऑनलाइन सब चीज़ हर जगह मिल जा रही है लेकिन जो आप अपने कॉन्सेप्ट को जब समझे हो उसे आप अपने फॉर्म में अपनी कॉपी पे लिख रहे हो वो इम्पॉटेंट नोट बहुत ही कम टाइम में आपके पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा देती है तो चलो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही है और आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं सीरीज से तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करो अपना प्यार दो मुझे ताकि मैं आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेकर के आ सकूँ थैंक यू